हे दोस्तों, क्या आप सभी को भी कुछ नया नाश्ता ट्राई करने का मन कर रहा है? तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये देखिए, एकदम खस्ता करंची। आप खुद सुन करके देखिए और खाने में भी करंची। मैं तोड़ के दिखाऊँ, ये देखिए। सिर्फ दो चीज़ों से आप बनाएंगे ऐसा आलू और सूजी से बना नाश्ता कि आपको इसके सामने समोसा कचौरी भी लगेंगे पुराने, क्योंकि सब होने वाले हैं इसके दीवाने। तो चलिए गाइस, बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 आलू को बॉईल करके रखा हुआ है, इसका छिलका हटा करके मैं इसको क्रश कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको मैश भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा नाश्ता है ना जो आलू के साथ बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली बच्चे आलू के तो बहुत दीवाने होते हैं, है ना। तो आलू मैंने क्रश कर लिया है। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, कम ही ऑयल में बनेगा ये चीज़। और इसके साथ मैं इसमें सरसों डालूँगी, और जब ये तड़का लग जाएगा ना तो इसके बाद इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालूँगी। ये जो चम्मच है ना, ये मसाला वाला चम्मच है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट तिल डाल रही हूँ 2 चम्मच। इन सबको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरा मिर्च कट करके, इसको भी चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से फ्राई। और इसके साथ ही मैं इसमें हरा धनिया भी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर वही सब चीज़ों का प्रयोग कर रही हूँ जो घर में इजीली अवेलेबल होते हैं गाइस, क्योंकि जब मन करता है कुछ बनाने का तो जल्दी से मार्केट जाने का मन नहीं करता ना, फटाक से बना लो लगता है। तो मैं यहाँ पर ना 2 कप पानी डाल रही हूँ। मैं इसी कप से सूजी भी डालूँगी। तो पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद हो और ऐसे अच्छा लगता है चिली फ्लेक्स, और अगर आप नहीं खाना चाहते ये तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर ना मैं नमक भी डाल दी हूँ। नमक भी आप अपने हिसाब से टेस्ट के अनुसार डाल लीजिएगा। और यहाँ पर मैं इसके बाद सूजी ऐड करूँगी। तो सूजी मैंने यहाँ पर 1 कप लिया हुआ है। 1 कप सूजी से ही आपका ये नाश्ता ना बहुत अच्छे से बन जाएगा, और यकीन मानिए करीब 5-6 लोग इजीली कर सकते हैं इस नाश्ता को। तो यहाँ पर मैं सूजी को डाल दी हूँ। अब हल्का हल्का चमचा चला करके धीरे धीरे हमें इसे सब में पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, चलाना है हमें धीरे धीरे इसे। और ध्यान रहे, ये सूजी फूल जाता है तो अलग से और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इतने में हो जाएगा और ये पक भी जाएगा। तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पर जो मैं सूजी को चला रही हूँ ना, ये बस इसे आप चलाते रहिएगा, ये धीरे धीरे ये अपना पक जाता है। और जब तक ये पूरा पैन को ना छोड़ दें हमें, तब तक इस सूजी को चलाते रहना है। आप देखेंगे कि सूजी हमारा पैन छोड़ने लगा है, मतलब हमारा सूजी रेडी होने लग गया है। एक बार इस तरह से बनाइएगा गाइस, आप लोगों को ये नाश्ता ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो आलू क्रश करके रखा था इसे भी ऊपर से यहाँ पर ऐड कर दूँगी। आपको यहाँ पर और कोई पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर इसको डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देना है जिस तरह से हमने इसे किया है। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, और इसी में ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, दोबारा से ये पैन छोड़ दिया है, मतलब फाइनली हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको ठंडा होने देंगे, गरम गरम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसको हमें 5 से 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ देना है। आप पंखे के सामने भी रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में यहाँ पर आप एक बड़ा सा कोई भी ऐसे ले लीजिए, और इसके ऊपर डाल करके इसको थोड़ा सा आप इसको नरम से इस तरह से डो को कर लीजिए। तो बिल्कुल ये ठंडा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, गर्म बिल्कुल नहीं लग रहा है। और यहाँ पर इस तरह से फैला करके जितना फैलता है फैला दीजिए, नहीं तो आप एक बेलन की सहायता से आप इस तरह से इसको फैला करके कर सकते हैं। जब ये काम हो जाएगा तो आप एक चाकू ले करके इसको साइड साइड से कट करके चारों तरफ से आप इसको बराबर कर सकते हैं। तो मैंने इसे स्क्वायर में पूरी तरह से कट किया है। वैसे एक बात बताऊँ, इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं।
तो मैंने ना इसे स्क्वायर शेप में कट किया है, क्योंकि मैं इसे ट्रायंगल शेप में बना रही हूँ और मैंने ना थोड़ा सा स्क्वायर शेप में भी बनाया है। तो मैं दोनों तरीके से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इस तरह से कट करने के बाद में ऐसे कट लगाइए, इस तरह से। आप चाहे तो इसके बीच में और कट लगा सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से कट लगाया है, थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं, है ना। तो इसके बाद मैं ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दी थी। ऑयल बिल्कुल गर्म रखिएगा, मीडियम टू हाई रखिएगा। उसके बाद इसे डाल देना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसे हाई फ्लेम में हमें करना है, क्रिस्पी और क्रंची बनाना है ना। और इससे ना क्या होता है कि कम ऑयल भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से एक मिनट के बाद में ही होने लग जाएगा और हल्का गोल्डन क्रिस्पी टाइप का होने लग जाएगा ना। तभी हमें इसे इस तरह से पलट करके चेक कर लेना है और सारे को इस तरह से पलट देना है, ताकि दूसरी साइड से भी गोल्डन क्रिस्पी टाइप का फ्राई होने लग जाए। तो ये दोनों तरह से देख रहे हैं कि आपका हो गया है। तो मैं दूसरा बार भी आपको डाल करके दिखाती हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कभी हेल्दी सा स्नैक्स खाने का मन कर रहा हो ना, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब देखिए ये हमारा पूरी तरह से फ्राई हो गया है, और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा ना, कम ऑयल में बिल्कुल बना है ये। और आप देखिए, मैंने बोला था स्क्वायर शेप में भी आपको करने के लिए, तो मैं इसको तो और भी ज़्यादा कम ऑयल में सेकी हूँ दोनों साइड्स। तो आप इसे अपना पसंद के अनुसार से किसी भी सॉस के साथ में, चटनी के साथ में इस नाश्ते को, स्नैक्स को इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।